आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज कवर स्टोरी में हम जानेंगे भारतवर्ष में 2008 से लेकर अब तक चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैचेस के बारे में। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, ये खेल का एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग इंटरटेनमेंट तो हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे चलने वाला काला बाजार जिसको आज हम पर्दाफाश करेंगे, यानी कि सट्टा, आईपीएल सट्टा। आईपीएल के अंदर सोलापुर शहर के अंदर हो या महाराष्ट्र राज्य हो या देश हो, हमारे खासकर आज हम सोलापुर के बारे में बात करेंगे। तो सोलापुर के अंदर जो है पिछले कई सालों से इस आईपीएल के ऊपर बहुत सारे लोग सट्टा खेलते हैं। सोलापुर के पुलिस कमिश्नर अंकुश शिंदे ने सोलापुर शहर के अंदर तो क्राइम करने वालों पर दहशत तो निर्माण की है पिछले कुछ दिनों में 3 आरोपियों पर मकोका लगाकर, लेकिन क्या अंकुश शिंदे ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे जो लोग आईपीएल के नाम पर सट्टा लगाते हैं? एक आंकड़े के मुताबिक पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में हर साल 30 लाख करोड़ रुपयों का सट्टा इस आईपीएल खेल के माध्यम से लगता है। आईपीएल खेल का माध्यम लोगों को एंटरटेनमेंट करना और आईपीएल खेल का माध्यम ये पूरे दुनिया के टीमों को एकजुट लाकर खिलाने का था, लेकिन उसका गैर उपयोग ये काला बाजार करने वाले लोग, सट्टा लगाने वाले लोग, आज इन लोगों की वजह से क्रिकेट मैचों पर लग रहा है काला कलंक। सोलापुर शहर की जहाँ तक हम बात करेंगे तो सोलापुर शहर के अंदर ये आईपीएल सट्टे को मैनेज करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है बुग्गी चलाने वाले। क्या होता है बुग्गी चलाने वाले? ये लोग फोन पर मैनेज करते हैं कि कितने गेंदों पर कितने रन बनेंगे, कौन सी ओवर में कितने रन बनेंगे, तो इस पर लोगों के साथ रुपये पैसों की बेट लगाई जाती है, यानी कि जुगाड़, सट्टा लगाया जाता है, जिसे हम आज कानूनी एतबार से इलीगल कहा जाता है। लेकिन इन कामों पर 2008 से लेकर आज तक पुलिस ने कुछ लोगों पर कार्रवाई की, लेकिन इसकी कोई रोकथाम आज भी कम होती भी नजर नहीं आ रही। आज कवर स्टोरी में हम इसलिए आईपीएल के मुद्दे पर बात कर रहे हैं क्योंकि सोलापुर में कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फांसी लगाने का कारण आईपीएल था। आईपीएल के कारण, आईपीएल के अंदर जो लोग सट्टा लगाने वाले, जो बूगी चलाने वाले लोग होते हैं, उन लोगों का पैसा ना चुकाने की वजह से उस व्यक्ति ने अपने आप को फांसी लगा ली। उस व्यक्ति ने यह नहीं सोचा कि उसके पीछे उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे किस तरह से अपना जीवन बसर करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने आईपीएल के कारण और उस बुग्गी चलाने वालों के कारण जो है अपने आप को फांसी लगा ली। क्या सोलापुर के पुलिस कमिश्नर अंकुश शिंदे जिस तरह से 3 आरोपियों पर मकोका लगाकर इस सोलापुर के सारे क्राइम करने वालों पर दहशत निर्माण की थी, क्या इसी तरह से बुग्गी चलाने वालों पर भी वो दहशत निर्माण करेंगे? क्या आईपीएल आज खत्म होने को चंद दिन बाकी है तो सोलापुर शहर के अंदर कितने बुग्गी वालों पर सोलापुर पुलिस कमिश्नर ने इन लोगों पर कार्रवाई की? अब तक तो कोई नतीजा सामने नहीं आया। सोलापुर हो या हमारा राज्य हो या पूरा देश हो, इनमें कई ऐसे लोग जो बुग्गी चलाने वाले लोग हैं, इनके कारण कई लोगों पर इतना बड़ा बोझ, उनके घर वालों का बोझ हो, इतना बड़ा बोझ उन पर आ पहुंचा है कि वो लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। क्या आईपीएल की वजह से, जो खेल का इतना बड़ा माध्यम है, इंटरटेनमेंट होने के बजाय लोग इन पर रुपया पैसा लगा रहे? कई लोग, खास बुग्गी चलाने वाले लोग, बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े बंगलों में बैठकर सिर्फ फोन पर सट्टा लगाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सालाना तकरीबन 3 करोड़ से 4 करोड़ रुपये एक बुग्गी चलाने वाला लेता है। अगर हम हिसाब करेंगे पूरे सोलापुर के बुग्गी चलाने वालों का, तो कम से कम अगर 50 लोगों को पकड़ेंगे तो 50 करोड़ रुपये हर साल बुग्गी चलाने वाले लोग, जो के हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ऐसे अवैध कारोबार चलाने वाले, बुग्गी कला चलाने वाले लोगों पर अंकुश शिंदे का उनका शिकंजा इन लोगों पर कसेंगे। आज सोलापुर की जनता जो भरोसा जताया है अंकुश शिंदे पर, तो क्या वो भरोसा वो कायम रखेंगे
आज कवर स्टोरी में हम इसलिए इन बातों को रख रहे हैं क्योंकि कई लोगों की जानें इस आईपीएल पर सट्टा लगाने के कारण गई है। आईपीएल के माध्यम से जो लोग बुग्गी चलाते हैं उन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिसकी पत्नी, जिस व्यक्ति ने सोलापुर शहर के अंदर फांसी लगाई, आज उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे सोलापुर पुलिस कमिश्नर से गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। और वो इंसाफ उसी वक्त मिलेगा जिस वक्त अंकुश शिंदे ऐसे बुग्गी चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या सोलापुर पुलिस कमिश्नर के पास इतना इंटेलेक्चुअल मटेरियल नहीं है कि इन लोगों को वो अपने लोकेशन के तहत पकड़ सकें? ऐसे बहुत सारे सवालात अंकुश शिंदे साहब के सामने हैं कि वो इन बुग्गी चलाने वालों पर कब कार्रवाई करेंगे ताकि जनता सुख और शांति से रहे, क्योंकि पिछले 7 महीनों से लॉकडाउन की इतनी बड़ी मुसीबत से जो लोग आज जूझ रहे हैं उन लोगों के सामने इन सट्टेबाजार करने वाले लोगों को अगर वो दबोचेंगे तो कई लोगों की जानें और कई लोगों के घर बच सकेंगे। वरना इस आईपीएल के माध्यम से जो लोग बुग्गी चलाने वाले हैं उनका घर तो बस जाएगा, लेकिन जो लोग इनका पैसा नहीं चुका सकेंगे वो लोग इस दुनिया से चले जाएंगे और अपनी फैमिली को, अपने घर बार को, अपने परिवार को रास्ते पर ला खड़ा करेंगे। तो ऐसे परिवार वाले, खासकर पुलिस कमिश्नर से उन लोगों की गुहार है कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए। क्या सोलापुर के पुलिस ये करने में कामयाब होगी? क्या सोलापुर की पुलिस ये करना नहीं चाहती? क्या ये सोलापुर की पुलिस जानबूझकर लोगों को पकड़ना नहीं चाहती? ऐसे कई सवाल जो है इनके परिवार वालों ने उठाए। देखना ये है कि सोलापुर के पुलिस कमिश्नर इस पर क्या एक्शन लेंगे जिसकी वजह से कई लोगों का जीवन बच सके। आज कवर स्टोरी के माध्यम से हम यही बताना चाहते थे कि खेल के माध्यम को खेल के बजाय जो है लोग इस पर कई रुपया पैसा कमा रहे हैं। आए दिनों हम कितने सारे न्यूज़ चैनलों में ये सुन चुके हैं कि किस तरह से रुपया पैसा लगाया जाता है, किस तरह से खेल को मैनेज किया जा सकता है, किस तरह से जो है फोनों पर इसकी बुकिंग तय की जाती है, किस तरह से किस प्लेयर पर कितना पैसा लगाया जा सकता है, ये सारा प्लान सिर्फ और सिर्फ बुग्गी वाले ही करते हैं। तो ऐसे बुग्गी वाले जो हमारे संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई कब होगी, ये सोलापुर की जनता हो या महाराष्ट्र की जनता हो या हमारे देश की जनता हो, ये लोग सिर्फ और सिर्फ कई सालों से न्यूज़ चैनलों में सुनते आ रहे हैं लेकिन आज तक इसका कोई मास्टरमाइंड हमें नज़र नहीं आया। क्या इसका मास्टरमाइंड कोई आतंकवादी है या इसका मास्टरमाइंड कोई ऐसा व्यक्ति है जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है? देखना ये है कि पुलिस कमिश्नर हो या हमारे मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स हैं या हमारे देश का गृह मंत्री हैं, क्या इन ऐसे लोगों पर वो नज़र रखेंगे जिसके कारण जो है पूरे देश के अंदर इन सट्टा बाजार चलाने वाले लोगों पर, इस अवैध कारोबार चलाने वालों पर, इस बुग्गी के कारण कई लोगों की जो जाने गई हैं उसके आरोपियों को क्या देश के गृह मंत्री या हमारे राज्य के गृह मंत्री या सोलापुर के पुलिस कमिश्नर इन लोगों पर शिकंजा कसेंगे? आज कवर स्टोरी में हम यही लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि सट्टा बाजार चलाने वाले, बुग्गी चलाने वाले लोगों को कब गिरफ्तार करेंगे। ये उन लोगों की गुहार है जिन लोगों ने अपने पति को खोया, कई माओं ने अपने बेटों को खोया, कई बहनों ने अपने भाई को खोया, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोगों ने इन बुग्गी वालों के पैसे ना देने के कारण अपने आप को फांसी लगा ली। लेकिन कब तक ये खेल चलता रहेगा जिसके कारण कई लोगों की जानें चली जाएं? आज हम अंकुश शिंदे साहब हो या महाराष्ट्र के गृह मंत्री हो या देश के गृह मंत्री हो, उन लोगों को ये गुहार लगाती है जनता कि कब इन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। कवर स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें।